हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको शॉप क्लू पे लिस्टिंग करना बताऊंगा। देखिए, शॉप क्लू में लिस्टिंग करने के लिए हमें कैटलॉग के अंदर अपलोड न्यू प्रोडक्ट में वन बाई वन शॉप क्लू में लिस्टिंग करना बहुत आसान है। यहाँ पे लिस्टिंग करने से पहले मैं सबसे पहले कीवर्ड चेक करूंगा कि शॉप क्लू में क्या है कीवर्ड। कर्टन ब्रैकेट में जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड सर्च होने वाला है वो कर्टन ब्रैकेट ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कर्टिन ब्रैकेट है और उसके बाद ब्रैकेट्स हैं, तो जो जो मेन कीवर्ड है वो कर्टिन ब्रैकेट है। नॉर्मल अगर आप सोचें तो एज ए बायर जो मुझे चाहिए वो मैं टाइप करूंगा यहाँ पे। तो कर्टिन ब्रैकेट टाइप होने के बाद सबसे पहले क्या आ रहा है? सबसे पहले देखिए आप, कर्टिन ब्रैकेट ही आ रहे हैं। इसमें किसी कंपनी का कोई नेम नहीं है, सिर्फ कर्टिन ब्रैकेट से ही ये लिस्ट किए हुए हैं। तो ये चार प्रोडक्ट सबसे ऊपर हैं, समझ रहे हैं? ये कीवर्ड्स की वजह है, ये देखिए ये कीवर्ड्स की वजह है कि कर्टिन ब्रैकेट जो है वो सबसे ऊपर हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा वर्ड्स लोगों ने लगाए हैं वो बाद में शुरू होते हैं, जैसे ए से अगर शुरू होने वाला है तो यहाँ से है, आप देखिए, ठीक है ना, चेरी कर्टिन ब्रैकेट, ये देखिए। तो एक्स्ट्रा वर्ड्स वाले जितने भी हैं वो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, वरना शुरू में जो है वो कर्टिन ब्रैकेट ही है। तो शॉपक्लू पे जो सबसे अच्छा कीवर्ड है वो कर्टिन ब्रैकेट ही है। तो इसको किस तरीके से लिस्ट करना है, अब मैं इसमें अब कुछ भी नहीं डालूंगा, सिर्फ मैं इसमें कर्टन ब्रैकेट ही अब डालूंगा, बाकी मैं कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड लगा ही नहीं रहा अब, ठीक है। देखिए, प्रोडक्ट के टाइटल में अपनी ब्रांड का नेम ऐड करने में तभी फायदा है जब आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो। अगर आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपकी अपनी कोई वेबसाइट हो तो आपको फायदा इसका मिल सकता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन से ये होता है कि कोई और पर्सन आपकी लिस्टिंग जो है वो यूज नहीं कर सकता। तो जब आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो आप किसी को नहीं रोक सकते, तो कोई फायदा नहीं है नई कंपनी बनाने का। या आपकी अगर वेबसाइट है तो आपको फायदा है, अगर आप उसमें अपनी पैकिंग मटेरियल वगैरह यूज करते हैं तो इन साइट्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। उसका एक बड़ा आसान तरीका होता है कि हमेशा अपनी वेबसाइट पे जो है इन साइट्स से थोड़े कम सेलिंग प्राइस रखिए, और अपने जो आई प्रोडक्ट्स हैं जिनका जो आपने ब्रांड बनाया हुआ है जिसका, उसमें आप अपनी वेबसाइट का जो है पैकिंग मटेरियल यूज़ करिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई शॉप क्लू से ऑर्डर आता है और मेरी अगर वेबसाइट है A1Quality.com, तो मैं अंदर उसमें A1Quality.com का जो है बॉक्स यूज़ करूँगा, टेप यूज़ करूँगा, और ऊपर उसमें शॉप क्लू की पैकिंग होगी। तो एक तरीके से शॉप क्लू भी मुझे उसमें रोक नहीं सकता इस तरीके से करने में, क्योंकि वो मैं A1Quality ब्रांड का प्रोडक्ट जो है वो शॉप क्लू पे सेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो शॉप क्लू इसमें मुझे रोक नहीं सकता है ना, इसमें मेरे ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं अपनी साइट की जो है वो पहचान बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में आपको आगे फिर कभी बताएंगे कि आप अपनी साइट को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो है लिस्टिंग करते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने देखिए अब कर्टन ब्रैकेट डाल दिया। कर्टन ब्रैकेट डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगा इसमें, अब यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है आपको। तो कैटेगरी चूज करने का क्या तरीका है, जो मैंने हर बार बताया है वही है सेम। कैटेगरी हमेशा देखिए यहाँ दिख जाती है ऊपर ही प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर। तो होम एंड किचन है इसकी, ठीक है, कैटेगरी होम एंड किचन के अंदर हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर फिटिंग एंड फिक्स्चर में है ये, फिटिंग्स एंड फिक्स्चर्स, और उसके बाद जो है कर्टिन ब्रैकेट्स। जो सबसे ज़रूरी ऑप्शंस होते हैं जिनको आपको फिल करना ही करना है वो स्टार वाले होते हैं, ठीक है। तो इन स्टार वालों को आपको करना ही करना है, बाकी ये जो ऑप्शन है जिन पे स्टार नहीं है आप इन्हें छोड़ सकते हैं, छोड़ना चाहें तो। लेकिन एमआरपी डालने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि एमआरपी डालने से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि जब आप एमआरपी डालते हैं किसी भी प्रोडक्ट की और उससे कम में सेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर छूट दिखाने लगता है कुछ ना कुछ। 600 में डाल देता हूँ इसकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देंगे, स्टेटस एक्टिव, ठीक है, एक्टिव ही होगा ऑटो। कमिटेड क्वांटिटी यानी कि कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, आपकी इन्वेंट्री में कितने प्रोडक्ट्स हैं, ये वो है कमिटेड क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ फिलहाल। उसके अलावा देखिए आप इसमें यूपीसी अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यूपीसी के अलावा आप ISBNB अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है, तो अटैच फाइल, ठीक है। देखिए इमेज अपलोड करने के बाद अब हमें क्या करना है, फीचर में जाना है। फीचर में जाने के बाद यहाँ पे हमें जो है लाइफ स्टाइल वगैरह इसकी ऐड करनी है। तो लाइफ स्टाइल क्या है इसकी, जैसे यहाँ पे हम डाल सकते हैं एवरीडे यूज़ का है प्रोडक्ट, ठीक है,
तो वो लाइफ स्टाइल हो गई इसकी। अगर आपके पास कोई मॉडल नंबर वगैरह है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। सीरीज ब्रांड वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे अगर मैं ब्रांड यहाँ पे डालूँ तो ब्रांड यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। अगर कोई मॉडल आईडी वगैरह है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। पार्ट नंबर है तो यहाँ पे डाल दीजिए, पार्ट में नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ 153। उसके अलावा इसका कलर क्या है, कलर चूज कर लेते हैं, सिल्वर है, सिल्वर। लेंथ विद हाइट कितनी है इसकी, लेंथ विद हाइट देख लेते हैं इसकी। लेंथ इसकी डाल देते हैं, लेंथ इसकी डाल देते हैं, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, विड्थ है इसकी 5 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा मटेरियल क्या है, जिंक। वेट, वेट डाल देते हैं, ग्राम्स में है 600 ग्राम। पैक ऑफ टू, ठीक है। ये बॉक्स का साइज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो बॉक्स का साइज है कितना है, ठीक है। इसके अलावा शिपिंग एंड पेमेंट में आ जाएंगे। शिपिंग एंड पेमेंट में यहाँ पे देखिए ऑप्शन होता है इसमें कि आप सीओडी अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, या यस और नो का ऑप्शन होता है। तो अगर आपको सीओडी चाहिए तो आप यस कर दीजिए, वरना आप प्रीपेड चाहिए आपको कन्फर्म ऑर्डर चाहिए तो नो कर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन होता है शॉप क्लू में ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कोई पिन कोड डिसेबल करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहीं पे मुझे सर्विस नहीं देनी है तो यहाँ से मैं सीओडी का पिन कोड डिसेबल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट का क्या वेट है वो ग्राम में डालना है, तो 600 ग्राम का है प्रोडक्ट। इसके अलावा यहाँ पे आप शिपिंग प्राइस कस्टमर से ले सकते हैं, आपको अगर शिपिंग प्राइस चाहिए तो। करेंट शिपिंग सेटिंग फ्री होम डिलीवरी मैंने किया हुआ है, अगर मैं शिपिंग चार्जेज लगाना चाहूँ तो शिपिंग चार्जेज यहाँ से मैं लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेज मैंने लगा दिए, ठीक है, तो 50 रुपीज़ इस पर मैंने शिपिंग चार्जेज यहाँ पे दे दिए हैं, ये जो कि बायर को मुझे अब देने होंगे। और हैंड ओवर एस्टिमेट टाइम यहाँ पे कितने दिन में आप हैंड ओवर कर देंगे, 102 दिन ले लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप हैंड ओवर टाइम 1 दिन कर दीजिए, अब शॉप क्लू में 1 दिन हो गया है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड क्लोज, ओके। प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो चुका है, ये रहा, ठीक है। लेकिन अभी इसको एक्टिव होने में जो है वो टाइम लगेगा, अगर कोई भी कमी रह जाएगी प्रोडक्ट के अंदर तो इस तरीके से वो फीचर मिसिंग दिखाएगा, तो आपको फिर उसको सही करना है। तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करके इसको सही कर देता हूँ, जो फीचर मिसिंग दिखा रहा है ये दिखा रहा है फीचर मिसिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ये मिसिंग दिखा रहा है, इसका मटेरियल जो है मिसिंग है, तो मटेरियल डाल देते हैं। देखिए शॉप क्लू के अंदर ये शॉप क्लू के अंदर जो है पैनल में बहुत सारे एरर हैं, और ये शुरू से ही हैं, मैं जब से बिजनेस कर रहा हूँ इसमें ये अभी तक सही नहीं हुए। इसमें मैं कई बार इसको फीडबैक भी दे चुका हूँ शॉप क्लू को, लेकिन कोई सुधार नहीं है। आफ्टरऑल मैं आपको ये भी बता दूँ कि आप अगर इसका पैनल यूज़ करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, तो आप हमेशा इसको जो है यूज़ करें तो इसके ऐप को यूज़ करिएगा, मोबाइल पर इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा से मर्चेंट वाला, और उसको यूज करिएगा आप, तो उससे आप इसको डील कर पाएंगे, वरना आप इसमें परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अभी जैसे कि आप एक एरर देख सकते हैं कि मैं जिंक सर्च कर रहा हूँ तो जिंक सर्च आ ही नहीं रहा, ठीक है। ये इनका एरर है शॉप क्लू का जो अभी तक सही नहीं है, तो इसमें मैं अब क्या करूँगा, मैं इसमें ना कर देता हूँ, सबसे अच्छा है। सेव एंड क्लोज, ओके। देखिए प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो है जब शॉप क्लू कोड एक आएगा, शॉप क्लू कोड जो है वो जब प्रोडक्ट उनकी तरफ से अप्रूव हो जाएगा तो ये शॉप क्लू कोड आ जाएगा।
इसके अलावा देखिए मुझे जो इसमें पेमेंट मिलेगा वो एक्सपेक्टेड पेआउट जो है वो यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से आप शॉपक्लू पे लिस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।